तो दोस्तों तीन बटन यार हो चुका है, इस तरह से तीन बटन हमने रखे हैं, तो इसमें दोस्तों चार बटन है। नमस्कार दोस्तों, टेलर टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये डेढ़ इंच शॉर्ट करना है दोस्तों, तीन बटन रख दूंगा मैं इसमें कि एक बटन और काज ख़त्म कर दूंगा। देख लीजिए किस तरह से करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि काज भी रह जाएंगे और तीन बटन भी रह जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और स्लिप डेढ़ इंच शॉर्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये गल्फी वाला सूट है दोस्तों, तो इसको अगर शॉर्ट करना है, अगर आपको भी गल्फी बनानी है तो आप कमेंट कर दें, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा गल्फी सेम गल्फी वाला। तो इस तरह से दोस्तों मैं काज निकाल रहा हूँ, देख लीजिए काज दिखता है बहुत। ये देखिए निकल गया काज, इसमें जब क्लोज करेंगे तो तब दिखेंगे, इसमें काज प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं वैसे। तो इस तरह से दोस्तों एक काज वाला है, इस तरह से इसको खोलेंगे गल्फी वाला, और काज को मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों ये कह रहा था मैं, अगर आप भी गल्फी वाला बनाना चाहते हैं, सेम ऐसे ही बनाना चाहते हैं, कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे बनेगा सेम। तो दोस्तों इसको मैं नॉर्मल फोल्ड करूंगा, इस तरह से दोस्तों निकाल लेना हुआ, ये आराम से निकालना है इसको। ये धागे मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है, अगर कंफ्यूज है तो कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है आपकी। इस तरह से दोस्तों ये देखिए, इसको मैं खोल लूँगा, इस तरह से कट लगा लूँगा दोस्तों, और इसी से हल्का सा इस जिस तरफ से गल्फी बनी है उस तरफ से कैंची से बाहर उतना जितना फोल्ड कर रखा था वो कट कर लूँगा, और इसको उसमें जाकर यहाँ पर सिलाई लगी है दोस्तों, ये अंदर से सिलाई लगी होती है, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इसको हम फोल्ड कर देंगे आराम से, ये देख लीजिए, इसको पहले हम हल्का से प्रेस करना पड़ेगा, सीधी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुड़ा होता है, तो अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। इस तरह से मैं मार्क लगा लेता हूँ, अंदर से मुड़ा होता है तो अंदर से मोटा हो जाता है कपड़ा, तो इसलिए इसको इस तरह से पहले प्रेस कर लें और निशान लगा लें वहाँ पर कट करके। तो इस तरह से दोस्तों कर रहा हूँ मैं, आप देखते जाना दोस्तों वीडियो, तभी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी, अगर इस तरह से इसको प्रेस कर ले दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों को बहनों को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है इस वीडियो से, तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगा अपने को, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होएगी कि किसी की हेल्प हो जाती है, तो दोस्तों उसके दो पैसे बच जाते हैं, घर को ऑल्टरेशन कर सकते हैं, दो पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया दोस्तों, और इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखना दोस्तों, कॉटन का कपड़ा, तो उसी हिसाब से इसको आप कर लेना, प्रेस कर लेना कॉटन का कपड़ा रख के। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, देख लीजिए, मैं एक ही स्लिप को कर रहा हूँ, मैं एक ही स्लिप को करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप दोनों कर आराम से कर लेना, इसी तरह से दोनों होएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको प्रेस कर दिया है इस तरह से, और बाद में अस्तर को बाहर करेंगे आराम से, अस्तर को अंदर से हम इस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अंदर को फोल्ड कर दिया मैंने सीधा सीधा, तो आप देख सकते हैं आराम से, इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से फिर प्रेस कर दूंगा, देख लीजिए किस तरह से प्रेस हो रही है और किस तरह से इसको सेटिंग करनी है अंदर से। अस्तर को ज़रूर सेटिंग कर लेना, नहीं तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा मुड़ेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा दोस्तों, अच्छा नहीं लगेगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी, और पहनने के बाद अंदर से चुभेगा वो, और बाहर से ऊँचा ऊँचा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से प्रेस कर लीजिए इसको, और अंदर से अस्तर को अच्छी तरह से पहले वो कर लेना, आप सेटिंग कर लेना अस्तर की। तो इस तरह से मैंने कर लिया दोस्तों, ये देखिए एक बटन हम चाहे तो ऊपर लगा देंगे, अगर तीन काज हैं इसमें, और काज एक बटन ऊपर भी लगा सकता है, पर मैं तीन ही बटन वाला बनाऊँगा। इस तरह से दोस्तों देख लीजिए, ये तीन बटन वाला बन गया, अंदर से टाँके लगाते हैं सीधे सीधे, देखिए दोस्तों यहाँ दोस्तों इस तरह से अंदर से इसमें आराम से टाँके लगा लेंगे, सुई की मदद से और धागे की मदद से इसको अंदर से सील देंगे, दो तीन ऐसा करेंगे तो इसको ऐसा करेंगे अंदर से टक हो जाएगा, और जहाँ पर उस तरफ से सिलाई लगी है दोस्तों वहाँ पर भी मैं लगा लूँगा, ये देखिए उस तरफ से भी मैं टाँका लगा दूँगा, ताकि हमारा अस्तर बाहर ना आए दोस्तों, इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से यहाँ सिलाई लगी होती है, सिलाई को हम वहाँ पर टाँका लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए दोस्तों ये लग गया हमारा टाँका, बस इतना सा लगा के इसको पक्का कर देंगे ताकि वो खुले ना। ये दोस्तों देखिए आसान तरीका दोस्तों, ये हो गया हमारा तैयार दोस्तों, ये देखिए
मैं पहले भी बता रहा था, इसमें एक बटन हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, चार बटन वाला बना सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया और दूसरा भी मैंने कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने फोल्ड कर लिया था तो इसमें भी टाँका लगा देंगे। ये देख लीजिए इस तरह से इसमें टाँका लगा लेंगे हम। ये देखिए आराम से टाँका लग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक के अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आप अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से आपकी तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दें और कमेंट एक जरूर कर दें प्यारा सा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने टाँका लगा दिया है कम्प्लीटली, देख लीजिए ये हो गया ओके। इस तरह से हमारा कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।